यार अभी एफडी इंटरेस्ट रेट के लिए अलग से वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, सिंपल ही तो है। आपको बैंक के पास जाना है, वहाँ पे पता करना है इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे एफडी खुलवा लो, सिंपल सिंपल। नो नो गाइस, इट्स नॉट दैट सिंपल। मान लो आपको एक बैंक 5 साल की एफडी के लिए 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वहीं पर आपको दूसरा बैंक 5 साल की एफडी के लिए 8.25% इफेक्टिव एनुअल यील्ड दे रहा है, तो आप कौन से वाले बैंक को प्रेफर करोगे? सेकंड वाले बैंक को, राइट? बिकॉज 8.25% इज बेटर देन 7%, राइट? रॉन्ग। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो मैंने कहा कि जो पहला वाला बैंक है वो आपको 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, सेकंड वाला बैंक आपको 8.25% इफेक्टिव एनुअल यील्ड दे रहा है, एंड इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज नॉट एज सेम एज इंटरेस्ट। इनफैक्ट इस टर्म को बनाया इसलिए गया ताकि हम जैसे कस्टमर्स को कंफ्यूज कर सके। इनफैक्ट 7% इंटरेस्ट रेट इज बेटर देन 8.25% इफेक्टिव एनुअल यील्ड। कंफ्यूज हो गए ना? कोई बात नहीं, समझा देंगे। So, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख की एफडी कराई है 5 साल के लिए विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, तो उसके हिसाब से आपको 1 लाख के ऊपर मिलेगा 41,478 रुपीस का इंटरेस्ट। तो आपने 5 साल में 1 लाख रुपए में कमाई है आपने 41,478 रुपीस का इंटरेस्ट, विच मीन्स कि आपने हर साल इंटरेस्ट कमाया है 8,295 रुपीस का। सो आप 1 साल में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 8.295 का इंटरेस्ट रेट कमा रहे हो, विच मीन्स विच ट्रांसलेट्स टू एन इफेक्टिव एनुअल यील्ड ऑफ 8.295%, एंड 8.295% इज बेटर देन 8.25%। सो यार ऐसे कुछ वर्ड पे यूज करके ना बैंक हमें गुमराह कर देते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा एक बहुत कॉमन सवाल ये आता है कि यार जो पेमेंट बैंक है आजकल, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, काफी अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, इनके साथ एफडी करवा लेनी चाहिए क्या? सो एज पर आरबीआई रूल्स, दीज पेमेंट बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट एफडीज फ्रॉम कस्टमर्स। इनफैक्ट ये जो सारे पेमेंट बैंक्स हैं जो अभी एफडी करवा रहे हैं ना, बैकएंड पे इनका किसी ना किसी बैंक के साथ टाइप हो रखा है। सो अल्टीमेटली आप किसी बैंक के साथ ही एफडी करवा रहे हो। कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि यार ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इसमें 5 लाख तक हम रख सकते हैं पैसे, इसमें कितनी सच्चाई है? सो यार बात ये बिल्कुल सही है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 5 लाख तक का अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, बट दिस 5 लाख इंक्लूड्स योर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी का इंटरेस्ट, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट। सो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनली बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि यार ये जो एनबीएफसीज हैं उनमें एफडी करवाना कितना सेफ है, क्योंकि कुछ एनबीएफसीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, दे आर गिविंग यू अमेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो यार यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अनलाइक बैंक्स, एनबीएफसी में 5 लाख तक वाला जो रूल है, वो जो गारंटी वाली चीज है, वो नहीं होती है। सो अगर आपकी एनबीएफसी डूबी तो आपका जो पैसा है उसकी कोई गारंटी या कोई वारंटी नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिवली हाई रिस्क आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा और अच्छे मिल जाता है। चलो अब देखते हैं कि इंडिया में बेस्ट एफडी रेट्स कौन कौन से बैंक्स में है। यार ये इन्फॉर्मेशन हमने हर एक बैंक की वेबसाइट पे जाके खोद खोद के निकाली है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेटा दिखाने से पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट 3 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट पॉइंट, इस इन्फॉर्मेशन को हमने एक पर्टिकुलर डेट पे निकाला है, इस वीडियो को हमने एक पर्टिकुलर डेट पे अपलोड किया है। सो अगर आप इस वीडियो को 3-4 महीने बाद देख रहे हैं, सो हो सकता है डेटा में चेंजेस आ गए हो, सो हमें कमेंट्स में ये मत बोलिएगा कि आपका डेटा सही नहीं है। प्लीज चेक द डेट व्हाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो व्हेनेवर यू आर। सेकंड, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वाला जो डेटा है बैंक्स का, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको उससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे जो बैंक है ना एक पर्टिकुलर बकेट में अच्छा रेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीसीबी बैंक आपको 25-26 मंथ्स की बकेट में अच्छा रेट देता है, IDFC First आपको 549 डेज टू 2 ईयर की बकेट में अच्छा रेट देता है। सो मैं आपके लिए आपको दिखाऊंगी कि बैंक्स सबसे अच्छा रेट कितना दे रहे हैं और कौन सी बकेट में आपको ये रेट मिल रहा है। थर्ड पॉइंट दैट वी वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट हमने इस लिस्ट में सारे बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया। इनफैक्ट SBI, HDFC एंड ICICI जैसे बैंक्स को हमने लिया ही नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि जनरली जो बड़े बैंक्स होते हैं वो अच्छा रेट आपको नहीं देते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग बैंक्स आपको बेस्ट रेट कितना देते हैं और कौन सी बकेट में। जैसे कि आप देख रहे हो मैक्सिमम रेट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस में आपको मिल रहा है ऑफ 9%, एंड ये रेट आपको 1,001 डेज की बकेट में मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 0.50% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दे कैन गेट 9.50%। बाकी सूर्योदय एंड फिनकेयर में आपको 8.6 के अराउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, सूर्योदय में 2 ईयर 2 डेज की बकेट में, एंड फिनकेयर में 750 डेज वाली बकेट में मिल जाएगा। आप इस लिस्ट के सब बैंक्स के बेस्ट इंटरेस्ट रेट को आराम से देख सकते हो, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड अपने फ्री टाइम में इस टेबल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अब देखते हैं कि 1 ईयर की बकेट में आपको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट
मिल रहा है। यार वन ईयर की बकेट में आपको मैक्सिमम 8.50% का इंटरेस्ट मिल सकता है विद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद आपको उज्जीवन में 8.25% का इंटरेस्ट ऑफर मिल रहा है एंड इक्विटास में आपको 8.20% का इंटरेस्ट। यहाँ बड़े बैंक्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अराउंड 6.7 से 6.8% का इंटरेस्ट ऑफर कर पा रहे हैं। सो काफी इसमें गैप है। अब देखते हैं कि 3 ईयर वाली बकेट में आपको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 ईयर वाली बकेट में आपको सूर्योदय मैक्स इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है एट 8.60%, फॉलोड बाय उत्कर्ष एट 8.50% एंड फिनकेयर एट 8.11%। इस कैटेगरी में भी बड़े बैंक्स लाइक पीएनबी, बीओबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स से काफी पीछे हैं। मोटा मोटा 1.5% का गैप है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। गाइस मैं आपको ये टेबल दिखा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसको अपने फ्री टाइम में एनालाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि 5 ईयर वाली बकेट में इंटरेस्ट का क्या सीन है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिल रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो 5 साल वाली बकेट में आपको इंटरेस्ट रेट 3 ईयर बकेट से कम दिखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 8.25% का है जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस ऑफर कर रहा है। 3 ईयर में आपको 8.60% का इंटरेस्ट मिल रहा था। पीएनबी, बीओबी एटसेट्रा भी 0.5 to 0.6% कम इंटरेस्ट दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू देयर 3 ईयर बकेट। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन दिस आई विल एक्सप्लेन दैट आप अपने एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एफडी लैडरिंग। सो मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए है एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट होल 3 लाख रुपीज इन वन एफडी, व्हाई डोंट यू डिवाइड दिस 3 लाख इनटू 3 पार्ट्स। सो आपके पास अब 1 लाख के 3 हिस्से हो गए। हमने देखा कि आपको 2 to 4 ईयर वाली जो बकेट है उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आप पहले जो आपका अमाउंट है 1 लाख, उसको आप एक 2 साल की एफडी कर दो। दूसरे अमाउंट को आप 3 साल की एफडी के लिए कर दो एंड तीसरे वाले को आप 4 साल की एफडी के लिए कर दो। अब 2 साल बाद आपकी जो पहली वाली एफडी है वो मैच्योर हो जाएगी, उस एफडी को आप अगले 3 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर दो। अब आपकी जो 3 साल वाली एफडी है वो भी मैच्योर हो जाएगी, उस अमाउंट को आप फिर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो एंड द सिमिलर थिंग विल हैपन इन द 4th ईयर। इस तरीके से आपकी एफडी की एक लैडर बन जाएगी जिससे आप इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से भी सिक्योर हो जाओगे, करंट मार्केट का फायदा भी उठा लोगे और हर साल आपके पास कुछ ना कुछ लिक्विडिटी आती जाती रहेगी। अगर आपको इस चीज को और डेप्थ में जानना है तो आप हमारी जो कम्युनिटी है bekifayati.co उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर पैसे कमाने और बचाने की बहुत सारी टिप्स मिलती है, बहुत सारी डिस्कशन होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन बी किफायती।